तो दोस्तों आईपीएल 2024 में आज हम एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला में दिल्ली कैपिटल बनाम लखनऊ सुपर जायंट के बीच ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के शानदार जीत के बाद दिल्ली कैपिटल को मिली पॉइंट स्टैंड में बहुत ही बड़ी खुशखबरी। वही इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट के हार के साथ लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल 2024 के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई। तो ऐसे में आईपीएल 2024 के नए पॉइंट स्टैंड के मुताबिक पॉइंट स्टैंड में कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना चांस है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, आईपीएल 2024 के नए पॉइंट सेल के मुताबिक पॉइंट सेल पे जो आखिरी पोजीशन पर है वह शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग। पंजाब किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 12 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पंजाब किंग को सिर्फ 4 मुकाबले में जीत मिली और 8 मुकाबले में पंजाब किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स के उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट रेड में -0.423 का देखने को मिल रहा है। वही पंजाब किंग की टीम प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। पंजाब किंग के पास कोई भी चांस देखने को नहीं मिल रहा है। वही पंजाब किंग का अगला मुकाबला में 15 मई को राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेल तो बन जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 9वे पोजीशन पर है वही हार्दिक पांडे की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 13 मुकाबले खेले गए, जिनमें से मुंबई इंडियन को सिर्फ 4 मुकाबले में जीत मिली और 9 मुकाबले में मुंबई इंडियन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट रेड में -0.271 का देखने को मिल रहा है। मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। मुंबई इंडियंस के पास भी कोई भी चांस देखने को नहीं मिल रहा है। वही मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला में 17 मई को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेल तो बन जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है वह सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 13 मुकाबले खेले गए, जिनमें से गुजरात टाइटन को सिर्फ 5 मुकाबले में जीत मिली और 7 मुकाबले में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला बारिश के वजह से रद्द हो चुका है। पॉइंट टेबल के पास 11 पॉइंट है। उनका नेट रेड में -1.063 का देखने को मिला है। और गुजरात टाइटन की टीम प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। गुजरात टाइटन के पास भी कोई भी चांस देखने को नहीं मिल रहा है। और गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला में 16 मई को सनंद हैदराबाद के खिलाफ खेल तो बन जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला हारने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 13 मुकाबले खेले गए, जिनमें से लखनऊ सुपर जायंट को 6 मुकाबले में जीत मिली और 7 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल के पास 12 पॉइंट है। उनका नेट रेड में -0.876 का देखने को मिला है। वही लखनऊ सुपर जायंट की टीम प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई है। वही लखनऊ सुपर जायंट के पास भी कोई भी चांस देखने को नहीं मिल रहा है। वही लखनऊ सुपर जायंट का अगला मुकाबला में 17 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल तो बन जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है वही पाप डुप्लेसी कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 13 मुकाबले खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सिर्फ 6 मुकाबले में जीत मिली और 7 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 12 पॉइंट है। उनका नेट रेड में +0.487 का देखने को मिल रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को अपना अगला मुकाबला में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलने जाए। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 18 रन से प्लस जीतना है, तभी जाके रॉयल चैलेंजर बेंगलोर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अगला मुकाबला में 18 मई को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेल तो बन जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है वह ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 14 मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को 7 मुकाबले में जीत मिली और 7 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 14 पॉइंट है। उनका नेट रेड में +0.138 का देखने को मिल रहा है। वही दिल्ली कैपिटल की टीम अपने सभी मुकाबले खेल चुके, अब दूसरे टीमों पे निर्भर होना पड़ेगा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। वही पॉइंट सेल पे जो 4थे पोजीशन पर है
वही पैड कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 12 मुकाबले खेले गए, जिनमें से हैदराबाद को 7 मुकाबले में जीत मिली और 5 मुकाबले में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्टेब उनके पास 12 पॉइंट है। उनका नेट एरा में +0.468 का देखने को मिला है। हैदराबाद को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना बचा हुआ 2 मुकाबले में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना जरूरी। हैदराबाद का अगला मुकाबला में 16 मई को गुजरात टाइटन के खिलाफ खेल तो बने रहेंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है, वही ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 13 मुकाबले खेले गए, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग को 7 मुकाबले में जीत मिली और 6 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्टेब उनके पास 14 पॉइंट है। उनका नेट एरा में +0.583 का देखने को मिला है। और चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना बचा हुआ 1 मुकाबले में से उस मुकाबले को जीतना जरूरी। और चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला में 18 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेल तो वो नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है, वही संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 12 मुकाबले खेले गए, जिनमें से राजस्थान रॉयल को 8 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्टेब उनके पास 16 पॉइंट है। उनका नेट एरा में +0.349 का देखने को मिला है। राजस्थान रॉयल की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर ली है। राजस्थान रॉयल का अगला मुकाबला में 15 मई को पंजाब किंग के खिलाफ खेल तो वो नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है, वे श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 13 मुकाबले खेले गए, जिनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा है और 1 मुकाबला में बारिश के वजह से रद्द हो चुका है। पॉइंट स्टेब उनके पास 19 पॉइंट है। उनका नेट एरा में +1.48 का देखने को मिला है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर ली है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला में 19 मई को राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेल तो वह नजर आएगी। ये थी आईपीएल 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। कोई आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीम रहने वाली है जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई आपको ये वीडियो थोड़े भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।